वेलकम शाही नगर किचन में, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अरवी कबाब बनाने जा रही हूँ। ये 500 ग्राम मेरा अरवी है। कबाब के नाम से सुनते ही सभी के मुंह में पानी आने लगता है, इसलिए आज हमने सोचा कि बहुत दिन से कबाब नहीं बनाया, आज अरवी का बनाते हैं। आज अरवी का कबाब बनाएंगे। इसको पहले बॉयल करने के लिए मोम चढ़ाएँगे। धनिया पत्ती, हरी मिर्च, गोल मिर्च, नमक, ज़ीरा, अजवाइन, चाट मसाला, ये चावल का आटा। पहले मैं इसको चढ़ा देती हूँ, तब उसके बाद से अजवाइन और ज़ीरा को अमलदस्ते में भून करके बुक करके रखेंगे, जो कि इसके अंदर डालेंगे जो इसका सामान है। ये हमने 250 ml पानी दिया, ज़्यादा नहीं देना है, ज़्यादा नहीं बॉयल करना है। 3 सीटी में बंद कर देंगे गैस। अब मैं ज़ीरा अजवाइन को भूनती हूँ इसमें। ये अजवाइन दिए हैं और ये ज़ीरा दिए हैं, इसको भून करके इसको क्रश करेंगे, दरेंगे, जो कि इसमें डालेंगे कबाब में। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जहाँ से भी देख रही हैं हमें बताएं आप लोग कि मैं कैसा रेसिपी बना रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें, पड़ता है कबाब में, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये बिल्कुल ही सिंपल, बिल्कुल ही इजी, गर्मियों का खाना में ये सब अच्छा लगता है। गर्मी का खाना हल्का हल्का होना चाहिए, ज़्यादा इसमें वाल नहीं होगा, ज़्यादा तेल नहीं करने लगेगा। अब मैं गैस को बंद कर रहे हैं, ये हो चुका, मैं गैस को बंद कर रही हूँ। अब ये अमलदस्ता में डाल करके इसको क्रश कर देंगे। अमलदस्ता में डाला, क्रश करेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं, ज़्यादा मोटा भी नहीं, इसको अच्छे से अंदाज से इसको करना है। देखिए पूरा भुका हो गया, गर्म था इसलिए फौरन हो जाता है, अब खुशबू भी अच्छी उठ जाती है, सीटी भी आ रहा है। ये खूब अच्छा हो गया। अब मैं इसको ऐसे में रहने दूंगी, जब लेंगे तब डालेंगे। तो देखा, ये अरवी हो चुकी है। अब मैं इसको उलट रही हूँ छानने के लिए, दिखा दे, गरम है, गरम। ये हमने उलट दिया, होता है तब इसको छील करके मैश करके दिखाते हैं। इतनी गर्मी है कह नहीं सकते हैं, अब इसको छील दे रहे हैं, छील के मैश करेंगे इसको। बहुत लोग आलू भी कहते हैं, अब आप लोग अपने यहाँ क्या कहती हैं ये नहीं पता हमें। बहुत लोग इसको आलू भी बोलते हैं, आलू अरवी, बहुत लोग अरवी भी बोलते हैं। दो तरीके की मिलती है, ये वाइट वाली है, एक ब्राउन वाली भी आती है जिसके में पूरा बाल रहता है भरा हुआ, वो ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा नोचने का डर रहता है, इसलिए लोग उसको कम इस्तेमाल इधर के लोग करते हैं। वाइट वाला ज़्यादा करते हैं, इसमें हाथ मुँह नहीं नोचता है, कुलकुलाता नहीं है, बस इसी डर से लोग इसको नहीं खाते हैं कि नोचता है। अब इस सभी को मैं पारी पारी से छीलूंगी, इसके बाद आगे वाला प्रोसेस आपको दिखाएंगे। कबाब होता है, कबाब तो कबाब है, कोई भी चीज़ का कबाब हो, कबाब के नाम से ही लोगों के मुँह में पानी आने लगता है। अब मुझे अरवी की सब्ज़ी बहुत पसंद आती है, मेरे घर में भी सभी को बहुत पसंद आती है, चाहे वो जब तक मिलेगा आता ही रहेगा। ऐसे गर्मी जितना है उतना ही लाइट भी कट रही
सब छिल दिए हैं। गलने से तो गल गया लग रहा है, लेकिन अंदर से लगता है जैसे कि कच्चा। यही समझ में नहीं आता है अरवी का कहानी, लगेगा कि गल गया, जब उसके ऐसे सब्जी बन के निकलेगी तो वो थोड़ी सी कड़ी कड़ी रहेगी। अरवी जब तक घुली भी नहीं रहती है तब तक अच्छा नहीं लगता है। अरवी को घुलना ही चाहिए, घुला हुआ रहना चाहिए। निकाल कर कर रख रहे हैं, मैशर से कर देते हैं, हाथ से थोड़ा सा वक्त लगेगा, मैशर से आसानी से हो जाएगा। एक एक रेसिपी सोचते हैं कल क्या बनाना है, कल क्या बनाना है। गर्मी में इतनी मेहनत मशक्कत के साथ बनाते हैं कि आप लोगों को कौन सी रेसिपी पसंद आ जाएगी ये नहीं पता है हमें। हो सकता है आप लोगों ने भी बनाई होगी, खाई होगी, ऐसी बात थोड़ी है। सब चीज़ कोई कॉमन चीज़ नहीं, ये कॉमन चीज़ तो है, सारी चीज़ें इंसान बनाता ही बनाता है। ये हमने पूरे को मैश कर दिया है अच्छे से, अब हाथ से कर ले रहे हैं। कहीं पर कोई मोटा वोटा होगा तो उसको हटा देंगे, वरना देखिए ये मोटा निकल गया। एक तो मोटा रहेगा तो ये ख़राब हो सकता है, डर है ख़राब होने का, फट जाएगा। मोटा होगा तो कबाब नहीं बनेगा, इसलिए इसको बिल्कुल ही बारीक होना चाहिए, जैसे आलू मैश होता है बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। अरवी का तो भरता भी बहुत अच्छा लगता है। अरवी का हर आइटम अच्छा लगता है, जो भी आइटम बनाइए सारे आइटम अच्छे लगते हैं। हर मौसम का हर फल अपने अपने जगह पर अच्छा होता है, हर फल को खाना चाहिए। कुदरत की निज़ाम है, हर चीज़ अपने अपने जगह पर उन्होंने बनाई है खाने के लिए। तो इंसान ये बोल देता है कि ये मैं नहीं खाता हूँ, तो ये नहीं खाते हैं, तो ये नहीं खाते हैं, ये फिश नहीं खाते हैं। अरे जब बनाया गया खाने के लिए, हाँ एलर्जी हो रही है तो उस चीज़ को ना खाएं। किसी को जैसे एलर्जी होगा वो ना खाए। मिर्च दिया, 3 पीस हरी मिर्च आप अपने हिसाब से देंगी। ये धनिया पत्ती, ये भी आप अपने हिसाब से दीजिएगा। ये हमने आज 1 चम्मच हमने गोल मिर्च पाउडर दिया, 1 चम्मच हमने आमचूर पाउडर दिया, 1 चम्मच और ये जो ज़ीरा और अजवाइन का जो हमने क्रश करके रखा था ये दिए, ये 1 चम्मच है। कुछ कुछ मसाला है जो ऐसा होता है जिसको कि क्रश करके ही दीजिए तो अच्छा खुशबू सब उठता है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ गई। अब इसमें मैं कॉर्नफ्लावर देंगे, 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर दिया, और आप चावल का आटा देंगे 2 चम्मच। 2 चम्मच हमने चावल का आटा दिया, अब सान करके देखेंगे कि ये कितना आप पड़ता है कि और लगता है कि नहीं लगता है। नहीं लगेगा तो नहीं देंगे, लगेगा तो दे देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ गई अजवाइन ज़ीरे की, लगता है कि थोड़ा सा और पड़ेगा क्योंकि अभी थोड़ा सा गीला लग रहा है, नहीं पड़ेगा पूरा। देखिए अच्छे से मैश हो गया, समझे थे हम कि पड़ जाएगा लेकिन नहीं पड़ा, अंदाज मेरा सही था। 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 2 चम्मच चावल का आटा हमने दिया। अब इसको थोड़ा सा 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फाइन, कितना अच्छा हो गया। देखिए हमने कबाब बना लिया अरवी का। एक बार इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सिख कबाब भी बनाने का, देखेंगे अगर होता है तो बनाएंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, क्योंकि वो बहुत गल जाता है उबालने से। अंदाज का गला हुआ रहेगा, मान लीजिए बनाए सिख कबाब और वो अंदाज का नहीं गला हुआ रहा तो वो ठीक नहीं होगा, लगेगा देखने में। बस ऐसे ही कर करके अब इसको हम रखेंगे और शैलो फ्राई तलेंगे। हमने गैस जला दिया है, थोड़ा सा उसको गर्मी से तो इतनी हालत ख़राब है कि बयान नहीं कर सकते हैं। रात भर लाइट नहीं रही,
अभी भी लाइट नहीं है, जल्दी से काम ख़त्म करके जाएंगे नहाने के लिए। ये देखिए ये कबाब तैयार हो गया। अब कुछ ना करना है, अब हमें शैलो फ्राई करना है। इसको चटनी से जो चीज़ से खाइए, खाना में किसको भी चीज़ रखिए, कोई भी चीज़ रखिए खाने में, उसके साथ ये बहुत ज़रूरी है। दावत हो, पार्टी हो, मेहमानी हो, किसी भी चीज़ देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने से। कबाब तो कबाब होता है, कबाब तो सभी को ही पसंद आता है। जब हल्का सा तेल लगाए, कोई ज़रूरत ही नहीं था तेल लगाने का, लाइट आ गई है, जान आता है लाइट आती है तो। मेरा कबाब तैयार हो गया, ये बन गया मेरा आधा किलो में, चार चार आठ एक नौ पीस बना। आप अपने हिसाब से जितना आपका बना बनाना है उसी हिसाब से आप बनाएं। ये नौ पीस बन गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं डाल दूँ सबको, हमने इसी में डाल दिया। अब इसको धीरे धीरे करके पलटेंगे, एकदम डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत ही क्रिस्पी ये कबाब बना है, बहुत ही लजीज, बहुत ही लाजवाब कबाब तो कबाब है, होना ही है अच्छा। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहाँ से देख रही हैं हमें सब बताएं, कैसा लग रहा है रेसिपी ये भी बताएं। आमचूर या नींबू कुछ भी ज़रूर दीजिएगा, वरना हो सकता है कि मुँह में थोड़ा सा लग जाए। हम इसीलिए वाइट वाला लेते हैं क्योंकि ये जो है ना लगता नहीं है। अब वो ब्लैक वाला जो होता है वो लगता ही लगता, उसको लगना ही है। बस अब इसका से ही रख करके तलेंगे। हो गया ये तैयार, हो गया मेरा। कितना कितना वक्त लगा? कुछ भी वक्त नहीं लगा। आप लोगों को मैं तो बोलती हूँ, आप लोगों को दिखाते हैं तो इसीलिए हमें वक्त लग जाता है, वरना वक्त कोई भी नहीं लगेगा, ज़रा सा भी नहीं लगेगा। आप लोग एक एक डिश अगर दावत पार्टी मेहमानी में बनाइए, शास्त्र में दीजिए, कुछ चीज़ में दीजिए, लेकिन लग रही ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमने बनाया। और जाइए कबाब खाने के लिए होटल में, रेस्टोरेंट में मंगाइए तो कितने महंगे महंगे कबाब देते हैं लोग, कितने महंगे। इसका सीख कबाब भी बनता है, इंशाल्लाह बनाएंगे, बना के दिखाएंगे कैसे वो बनाएंगे, वो भी देखिएगा। सभी कुछ कबाब के तो नाम पे सभी को बत्तीसी भी छुटती है, मुँह में पानी भी आता है। क्या है कबाब, कबाब नहीं है कहीं क्या, समझ में नहीं आता लोगों को कितनी पसंद आती है। थोड़ा सा इसको और लाल होने देंगे, उसके बाद से निकाल के दिखाते हैं। ये पूरा अच्छे से शैलो फ्राई हो गया, चाहिए तो डीप फ्राई भी कर सकती हैं, लेकिन कितना गर्मी में आदमी तेल खाएगा, इसलिए हमने सोचा कि नहीं शैलो फ्राई ही कर दे। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही अच्छा ये रेस्टोरेंट स्टाइल कबाब हमने बनाया, जो सभी लोग जाते हैं कबाब मांग करके मंगवा करके खाते हैं। इसके साथ जो भी चीज़ें हैं वो भी मैं दिखा रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से हमने ये कबाब हमारा तैयार हो चुका है। एकदम इत्मीनान से बनाइएगा खाना, इत्मीनान से होगा। हमने गैस को बंद किया, अब इसको निकाल रहे हैं। अब इसको मैं निकाल रही हूँ। इसको अच्छे से बनाइएगा, अच्छे से खाइएगा, अच्छे से खिलाइएगा, अच्छा ही बनेगा, अच्छा ही लोग खाएंगे, अच्छा ही कहेंगे। अच्छे से नहीं बनाइएगा तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए हर चीज़ को सोच समझ करके बनाना चाहिए। हर रेसिपी को देख करके समझ करके बनाना चाहिए। थोड़ा सा ठंडा होता है तो मैं अट्ठों को तोड़ करके आप लोगों को दिखाऊँगी, लेकिन देख ही से आप लोगों को लग रहा है ये मेरा खूब अच्छा बना है। थोड़ा सा हल्का सा धनिया पत्ती डाल दिए, और थोड़ा सा इसके में दिखा रहे हैं अभी और आपको, ये थोड़ा सा सलाद। कबाब है तो सलाद तो ज़रूरी बनता है, एकदम हक है कबाब को सलाद से खाने का। ये कबाब का जान होता है सलाद। अभी मेरे पास शिमला मिर्च ख़त्म हो गया है, इसलिए हमने शिमला मिर्च नहीं काटा है।
वरना शिमला मिर्च भी काटे होते और दिखाए होते। अब इसमें टमाटर डालेंगे, जो चीज़ है वही दे देंगे, अब क्या करेंगे, करना क्या, बस चीज़ अच्छी होनी चाहिए, सजावट अच्छी होनी चाहिए, देखने से लुक अच्छा होना चाहिए, तभी सारे चीज़ अच्छी भी लगती है, खाने में भी दिल लगता है, गाना अच्छी अच्छी धुन बजते रहते हैं होटल में, और क्या रेस्टोरेंट में क्या आता है, गाना सब बजता है, अच्छा लगता है, और लोग जा करके बैठ करके शान से खा करके पैसा दे करके चले आते हैं। ये बस इसी स्टाइल से बनाइए, इसी स्टाइल से खाइए खिलाइए, तो आपका भी ऐसा ही लगेगा कि हमारा भी सही में बहुत अच्छा बना, अच्छा लगा और अच्छे से हमने खाया। दिखाते हैं आप उसका कुरकुर की आवाज़, देखिए आवाज़ सुन ली कितनी आवाज़ है कुरकुर, देखिए सब कुरकुर क्रिस्पी है, कोई भी ऐसा नहीं है कि मेरा क्रिस्पी नहीं है, कोई भी कबाब मेरा क्रिस्पी नहीं है, ऐसा है ही नहीं है। मैं बहुत दिल लगा करके मैं हर काम को करती हूँ, मैं तो हमेशा बोलती हूँ मुझे बहुत दिल लगता है सब कामों में। चाहिए तो आप ऊपर से नींबू भी दे सकती हैं, दे करके इसको खा सकती हैं, अगर मुंह में लग रहा होगा तो, नहीं लग रहा है क्योंकि हमने इतना मैश किया, मेरे हाथ में नहीं नचाया, इसलिए मैं ये वाइट वाला लेती हूँ। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।